होता है जो भी मैंने बताया आपको। एक और कानून है ट्रांसपोर्टेशन को लेके कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा कि अगर कोई भी ट्रक गोवंश को लेके जा रहा है या किसी भी जानवर को लेके जा रहा है, केवल गोवंश किसी भी जानवर को लेके जा रहा है, तो अंदर मेडिकल एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये जो गोवंश है ये फिट फॉर ट्रांसपोर्ट है। एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये जो गायन है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कि इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक और सर्टिफिकेट होता है कि ये हेल्दी कंडीशन में है। जैसे आप प्रेग्नेंट गाय को 3 महीने के ऊपर की गाय को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं जो गलत है, और कभी मुझे पता चला भले आप ही हो तो मैं आपकी भी ट्रक पकड़वा दूंगा क्योंकि आप क्रूरता कर रहे हो किसी के साथ। और ये जो डेयरी इंडस्ट्री वाले हैं ये ज्यादा करते हैं, और जो गौ पालक या जो पंचकव्य चिकित्सक की दूध का लालच करते हैं, प्रेग्नेंट गाय को गौशाला लेके आते हैं कि भाई गाय आते ही बच्चा दे देंगे और आपका दूध का बिजनेस उससे स्टार्ट हो गया, तो गलत है। उसके अलावा बूढ़े को, अपंग को जो हेल्दी नहीं है उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप दो जानवरों को एक साथ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे भैंस हो गया, बकरे हो गए, उसको आपने गाय के साथ रख दिया, नहीं चलेगा। गाय है तो गाय चाहिए, भैंस है तो भैंस ही चाहिए। ऐसे बाहर बोर्ड होना चाहिए ट्रक के बाहर कि अंदर क्या है, कितने गोवंश है, चारा पानी कंपलसरी है, तो चारा कितना है, पानी कितना है। फिर किसी किसी राज्य में ऐसा है कि 12, ऐसे तो सेंट्रल लॉ है ट्रांसपोर्ट, इसका जो नाम है ये लॉ का ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स 1978 कि 12-12 घंटे पर आपको विश्राम देना है, जो भी गोवंश अंदर है उनको उतारना है, खिलाना है, पिलाना है, खिलाने पिलाने के बाद 2 घंटा विश्राम देना है, फिर लोड करना है, फिर कहीं ले जाना है। तो भारत में तो इतने अच्छे कानून बने जानवरों के लिए, प्रॉब्लम जो आता है वो इम्प्लीमेंटेशन पर आता है, और वो गोवंश के लिए नहीं बने, सारे जानवरों के लिए बने हैं। बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की और अज्ञानता की, किसी को पता ही नहीं है, मैक्सिमम लोगों को, पुलिस को भी नहीं पता होता, जजेस को भी नहीं मालूम होता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि उनके लिए ऐसे केसेस कभी कभी आते हैं, साल में एक बार, 2 साल में एक बार ऐसा। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक अपना लॉ है। उसके बाद एक नया कानून आया है ट्रांसपोर्ट सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2015, ये 13th अमेंडमेंट है इस कानून में। इसमें ऐसा है कि अब आगे से जो भी जानवरों की गाड़ी होगी उसमें एक परमानेंट पार्टीशन होगा, अस्थाई पार्टीशन होगा, एक पार्टीशन में एक ही जानवर खड़ा रहेगा, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, अब वो साइज के हिसाब से वो डिफाइन किया उस लॉ में। पर आपको बस ये मोटा मोटा समझना है कि पार्टीशन होना चाहिए, उस पार्टीशन में उस सुखरूप से वो गाय खड़ी रहेगी, इतना जगह 2.25 स्क्वायर मीटर का स्पेस लॉ में लिखा होगा, छोटे जानवरों के लिए अलग स्पेस है, तो ये गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होगी तो आप सीधा उनके ऊपर एफआईआर कर सकते हो कि भाई अगर पार्टीशन नहीं है तो क्रूरता हो गई, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, और कसाई है तो पक्का दर्ज करो, और कोई किसान है तो समझा के फिर उनको छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कसाई है तो पक्का एफआईआर होना चाहिए। इसके बाद एक और दो कानून है, जैसे हमारा मुंबई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लॉ है, और भारत में जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपालिटी जहाँ पर भी है, नगर पालिका जहाँ, महानगर पालिका जहाँ भी है, उनका एक अपना अलग कानून है कि उनकी नगर पालिका कैसे चलेगी। जैसे हमारे मुंबई का अलग है, नागपुर का अलग है, और नागपुर के अलावा जितने भी महानगर पालिका है या नगर पालिका उनके अगले अलग कानून है। तो ऐसा मैं मानता हूँ, जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता एक महानगर पालिका है तो उसके लिए अलग कानून है। तो महानगर पालिका में गायों को रखने के लिए लाइसेंस लगता है जो इजीली मिल जाता है। आपको बस एप्लीकेशन देना कि मुझे पालना है गाय को मेरे घर में,
और मुझे क्योंकि देखो शहर है तो शहर में क्या होता है कि स्पेस बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है। और उसके अलावा जो नगर पालिका है उनको छोड़ के जो गांव इलाके हैं रूरल प्लेसेस है वहाँ पर ऐसे कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका गौशाला है और आप चाहते हो कि आपको डोनेशन मिले और उस डोनेशन को आप अलग अलग एक्टिविटीज में खर्च करिए तो आप एक ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हो। अगर किसी की प्राइवेट गौशाला है तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। तो एक और कानून है महानगर पालिका का, इसमें ऐसा भी प्रावधान है कि आपको कोई भी जानवर अगर उस सिटी के अंदर आप ला रहे हो तो आपको कमिश्नर का परमिशन चाहिए, उसके बिना आप ला भी नहीं सकते हो। अब देखिए ये आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने शहर में गाय रख भी ली ना तो कोई बोलने वाला तो नहीं है जब तक कोई कंप्लेंट ना करे। आपके बगल वाला कंप्लेंट करेगा तो फिर वो महानगर पालिका वाले आ जाते हैं। और मैं ये बात आपको केवल और केवल इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर शहर में आप गाड़ी पकड़ो तो आपको एक और लॉ का बैकअप है कि देखो ये 8-10 लॉ का वॉयलेशन हुआ है, बच के कहाँ जाएगा, वो कहाँ भागेगा, पुलिस बोलेगा भाई ये देखो ये लॉ में नहीं बैठता है तो ये वाला इसका उल्लंघन हुआ है, दूसरा तीसरे का उल्लंघन हुआ है, तीसरे चौथे। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो। तो दोस्तों ये जो कुछ कानून की बातें हैं, आखिरी में कुछ प्रश्न लूंगा मैं इसके ऊपर। बहुत सारे जगह पर बीफ की गाड़ी भी पकड़ी जाती है, गोमांस की गाड़ी, और खुले में गोमांस बिकता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। एक जो टपरी वाला है ना जो मूंगफली बेचता है, खाने पीने का जो सामान बेचता है वो भी नहीं बेच सकता, ये कानून है। अगर आप बोलो तो गरीबों के खिलाफ है या क्या है वो अलग बात है, कानून बना है सरकार ने। एक पान वाला भी अगर पान बेचता है और वो खाने के लिए है तो वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर आता है और उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसको लाइसेंस लेना कंपलसरी है और उसके अलग नियम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। केवल एक छोटा चीज बता दूं, जो बहुत छोटे लोग हैं, मतलब जो छोटा एकदम कोई दुकान है, छोटा सा टपरी लेके बैठा हुआ है, समोसे बेच रहा है, तो उसको केवल एप्लीकेशन देना है कि मैं ये काम करता हूँ और उस एप्लीकेशन उसको दे देना है, वो डीम टू बी रजिस्टर्ड ऐसा माना जाएगा, समझे। भले लाइसेंस ना आए उस डिपार्टमेंट से, पर जैसे ही आप अर्जी देते हो तो, और अगर लाइसेंस नहीं आता है तो 3 महीने में ऐसा माना जाता है कि आपको लाइसेंस मिल चुका है। ऐसे बहुत सारा लॉ है भारत में, क्योंकि कई बार होता है कि आपको ये काम करना है, आपने अर्जी लगाई पर वो अफसर जो है एक साल हो गया रिप्लाई नहीं देता है, आपको रजिस्टर नहीं कर रहा, आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे अफसरों से बचने के लिए प्रावधान कई कानूनों में डाल दिया गया है कि आपने अर्जी लगाई इतने दिन में जवाब नहीं आया तो आप रजिस्टर्ड माने जाओगे ऐसा। तो खाने पीने की जो भी वस्तु है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 का बहुत बड़ा रोल है उसमें। इसमें कुछ हजार के फाइन से लेके जो मैक्सिमम फाइन है वो 10 लाख रुपए तक का है, 10 लाख। अगर किसी को आपने कुछ किसी ने कुछ बेचा और उसको फूड पॉइजन हो गया, वो मर गया, तो इसमें उसको उम्र कैद का भी प्रोविजन है। बहुत खतरनाक कानून है, पर होता क्या है, बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, और क्या एक लूप होल छोड़ दिया गया है कि इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट में एक्शन लेने के लिए जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर्स होते हैं वही ऑथराइज्ड हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन जाए और बोले भाई मेरे को ये दुकान वाले के खिलाफ एक्शन लेना है तो ही एक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, पुलिस वो मोटो एक्शन नहीं ले सकता ऐसा है। तो फूड सेफ्टी का तो ऐप है, और ये जो कानून है इसमें 2 अथॉरिटीज बने हुए हैं, एक है FSSAI, जो आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे बाहर काउंटर पर भी हैं उसमें देखिए आप FSSAI का लेबल है और लाइसेंस नंबर है, ये सेंट्रल एजेंसी है, और एक आता है स्टेट का, हमारे महाराष्ट्र में उसका नाम है
FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और किसी और स्टेट में कुछ अलग नाम से है, फूड डिपार्टमेंट ऐसा। तो एक स्टेट लेवल पर काम करता है, एक सेंट्रल लेवल पर काम करता है, पर दोनों जो काम करते हैं वो एक ही लॉ के अंडर करते हैं, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो वो तो गोमांस बेच रहा है, उसके आप उसको आप ऑफिसर को बुलाइए, फूड सेफ्टी ऑफिसर को, और कहिए कि भाई इसके ऊपर एक्शन लो आप, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो एक ये भी कानून है। और कभी आपको ऐसी कोई समस्या आए कि कंप्लेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो मैं फॉर्मेट दे दूंगा, और सीरियस लगा इशू तो आप मुझे एक चैनल के थ्रू। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ है कि देखिए, अगर एसोसिएट जो अपना पंजीकृत डॉक्टर एसोसिएशन है, वहाँ से अगर मुझे कोई मैसेज आता है कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, आप इसको देखिए, तो मैं उसको पक्का देखूंगा। क्योंकि देखो, ऐसे भी मुझे फिलहाल भारत भर से कॉल्स आते हैं, और मैं दिन भर में आधा समय तो 3-4 घंटा लगभग फोन कॉल में बिजी रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लीगल ओपिनियन देना है, वहाँ देना है, कंप्लेंट ड्राफ्ट में ऑडियो करके भेज देता हूँ। तो एक प्रॉपर चैनल की आए तो अच्छा रहेगा, कुछ फिल्टर होकर आएगा मेरे पास, तो मुझे भी थोड़ी सुविधा रहेगी, ऐसा है। वरना अर्जेंट सिचुएशन में आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे मैं आखिर में अपना नंबर भी दे दूंगा। तो इतने सारे कानून हैं कि गाय को कोई मार भी नहीं सकता, और यहाँ तो गाय काट के लोग बेच देते हैं, तो आप सोचिए उनके घर अगेंस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। बट बात आती है विल पावर की, कि हमारा डेडिकेशन कितना है, हमारा विल पावर कितना है, गाय के प्रति हमारा भाव क्या है, कि भाई ये गाय को काट के हमारे सामने लटका के बेच सकता है, इसकी इतनी हिम्मत। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आपका जुनून कितना है, उसकी दुकान बंद करनी है, कत्ल खाने बंद करने हैं, और हमारी टीम ने किया भी हुआ है, एक भी सैकड़ों किए हुए हैं। तो ये भी आप करिए, और कोई समस्या आए तो मुझे पूछिए। ये केवल कानून का विषय है, जो गौरक्षा को लेके हैं, ये जो अगला पड़ाव है अपना, वो जो अपना एसोसिएशन है उसको लेके, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप डॉक्टर लगा सकते हो, ये अगला सत्र है, अभी तुरंत ही होगा। पर ये जो गौरक्षा का विषय है, इसमें अगर किसी को प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न पूछना है उसको आप कागज पर लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए, और यहाँ मंच पर पहुँचा दीजिए। जिस भाई को गौरक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, जो न्यायिक है, कानूनी तौर पर है, आप प्रश्न लिखो, अपना नाम लिखो, अपना फोन नंबर लिखो, और यहाँ मंच पर पहुँचा दीजिए। गोचर भूमि के बारे में भैया ने पूछा। देखिए, मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है इसके ऊपर, पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है कानून में, गोचर भूमि के ऊपर केवल और केवल हॉस्पिटल खुल सकता है, स्कूल खुल सकता है, केवल ये दो चीज़ खुल सकती है, वो भी एक लिमिटेड एरिया में, और फिर उसका कंपनसेशन भी उनको देना होगा, और इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सरकार भी बोले कि हमको इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए नहीं हो सकता, केवल ये दो चीज़ के लिए हो सकता है। पर इतना एंक्रोचमेंट हो चुका है गोचर भूमि के ऊपर कि अब उसको हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बार स्ट्रक्चर खड़ा हो गया ना, तो उसको तोड़ना बहुत, मतलब नाक में दम आ जाता है, वो हमारे लिए भी, और जो नगर पालिका होती है उसके लिए भी, पुलिस के लिए भी, सबके लिए। तो कुछ लोगों को सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि गाय और गोचर भूमि, इसका तो सीधा कनेक्शन है। अगर गोचर भूमि नहीं रहेगी तो फिर गाय को मतलब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं, बताने की कोई बात ही नहीं है। तो गोचर भूमि के लिए किसी को सीरियसली इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और कोई सीरियसली काम करे तो उसको मैं पूरी लीगल हेल्प दे सकता हूँ। हाँ, जो भी जानकारी आपको लेनी है, प्रश्न पूछना है, कागज में लिख के प्रश्न दे दीजिए रणवीर भाई को, नाम और मोबाइल नंबर भी दे दीजिए।
और जल्दी करें। दूसरा विषय भी है वो एक जो ले आइए ना, जो मिल गया वो ले आइए। जो आगे वो दे दो इधर, जो प्रश्न आगे दे दो, ये चलेगा तब तक आप इस रूम में नहीं जा सकते, इकट्ठा कर लो। पहला प्रश्न है, वो राइटिंग ऐसे है कि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, पर समझ में इतना आ रहा है कि बकरी हर साल आती है और बहुत सारे गोबर कट जाते हैं, तो वो उसमें दोष काफ़ी हद तक हमारा है। अगर आपके सामने कोई गाय कैसे काट सकता है, आप मेरे को बताओ कैसे काट सकता है, कितनी हिम्मत उसकी कि वो गाय काट जाए आपके सामने। पर फिर आपका, मैंने कहा ना, विल पावर कितना, डेडिकेशन कितना है, कंप्लेन फाइल करना, पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस के माध्यम से गायों को सीज करवाना, पुलिस ना करे तो कोर्ट में जाना, कोर्ट में कुछ ऑर्डर देवे तो लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना, पुलिस स्टेशन का घेराव करना, हमने किया हुआ है हमने। और या फिर पुलिस को धमकाना कि भैया तुम निकाल के लाओ गोवंश वहाँ से, नहीं निकालोगे तो हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मीठा से उनको धमकी भी दे देना चाहिए। तो अगर कटती है तो दोष हमारा है, कसाईयों से ज़्यादा दोष हमारा है। और प्रयास अगर हमने किया तो फिर कट नहीं सकती बकरी, में एक भी गोवंश नहीं कर सकती। किसी की प्राइवेट गौशाला है तो आप कैसे ब्रीड ले सकते हो, नहीं ले सकते। एक बात मैं बताना चाहूंगा, अभी बीच में तमिलनाडु का भी एक केस आया था कि ऑक्शन करते हैं सरकारी संस्थाएं, जो ब्रीडिंग सेंटर हैं, जहां पर गाय अच्छी नस्ल की गाय नर गोवंश और किसी का है तो इनका संवर्धन होता है, इनके ऊपर स्टडी होता है, रिसर्च होता है, आखिर में इन लोग नीलामी के लिए चले जाते हैं। मैंने रिसेंटली, आई थिंक जुलाई का ऑर्डर है, जून जुलाई का ऑर्डर है, कर्नाटक हाईकोर्ट आया था, मैंने ये नीलामी के ऊपर मैंने स्टे लिया था और ऑर्डर में लिखा गया था कि आप ये नीलामी नहीं कर सकते, आप किसी गौशाला को ही दे सकते हो और किसी को नहीं दे सकते, भले आप कितने भी कंडीशन लगा लो कि वो कसाई नहीं चाहिए, किसान चाहिए, कुछ भी नहीं। तो मैंने रिसेंटली ऑर्डर लिया हुआ है, आपके तमिलनाडु में तो बहुत ऑप्शन होते हैं, तो कहीं भी ऑप्शन भी हो रहा है तो आप मुझे बताइए, ऑप्शन रुका जा सकता है। एक अच्छा प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, एक अच्छा प्रश्न है, गाय को सीमन देने से डॉक्टर को रोका जा सकता है क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ज्यादा रन हुआ है आजकल, और आज हमारे ज्ञान भी है इसके खिलाफ, तो हम लोग कानूनी कार्रवाई इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? पर किसको दे रहे हैं, हमारी गाय को? हमारी गाय को आर्टिफिशियल, कोई जबरदस्ती कैसे दे सकता है? जबरदस्ती के गाय तो मना नहीं करते, गाय को कैसे मना करेंगे? और किसानों के माध्यम से उनको पहुँचवाया क्या? वेल मदर को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मेरी गाय है तो डॉक्टर जबरदस्ती करेगा क्या? जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हम कानूनी रूप से डॉक्टर के पास ही आ रहे हैं, क्या ये प्राकृतिक प्रसव नहीं है? पर देखो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कानून नहीं बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक सर्कुलर होगा सरकार का या कोई एक पॉलिसी होगी, इसके ऊपर कानून शायद अभी तक तो नहीं है, मेरे नज़र में तो नहीं आया है, शायद पॉलिसी होगी इसके ऊपर और उस पॉलिसी के आधार पर ये सब चल रहा है। तो देखो, उसके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं लिया जा सकता है, पर हाँ भाई मेरी गाय है, ये प्राकृतिक रूप से ही इनका संवर्धन होगा,
ये तो डिसीजन आपका है, ये हमारे डिसीजन होगा, ये डिसीजन हमारा है। हम लोग अपने अज्ञानता में और कच्चे लालच में फर्जी कर रहे हैं। क्या प्राकृतिक गाय को संवर्धन मिले ऐसी कुछ कानूनी व्यवस्था है? वो ये है कि इसके ऊपर हम स्टेट आ सकते हैं क्या? ये जो सरकार का रेगुलेशन है कि भारत के सारे वेटरनरी डिपार्टमेंट में इन्होंने विकृत गर्भधारण का जो विषय रखा है, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर हम स्टेट आ सकते हैं क्या? कल गुरु जी ने बात बोली थी कि अब परिवर्तन हुआ है, अब वो सड़क पर उतरना, पार्लियामेंट घेरना, उसे कहीं बेटर है विचारों से लड़ाई लड़ना और अलग अलग माध्यमों से लड़ना। बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जिनको कोर्ट में अगर ले गए तो बहुत अच्छा ऑर्डर आ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा ऑर्डर आ सकते हैं। पर बात होती है कि इसके ऊपर कोई गंभीरता से काम करने वाला कोई नहीं है। अगर एक लिटरेचर तैयार किया जाए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कितना इस राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, तो हम कोर्ट में जाएगा। आज लिटरेचर क्या है हमारे पास, क्या है, कौन काम कर रहा है? A2A1 के नाम पर जो कुछ चल रहा है लिटरेचर है कि अगर कोई बढ़िया सा रिसर्च किया जाए, सालों का रिसर्च, और फिर हम कोर्ट में जाए, ठीक है, तब फिर कुछ अच्छा ऑर्डर आ जाएगा। पर इसके ऊपर काम करने वाले कोई लोग तो होने चाहिए। स्टेट क्यों नहीं मिल सकता? देखो, जो चीज से देश को नुकसान हो रहा है, अगर वो चीज सुप्रीम कोर्ट को आप बता देंगे, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है कानून बनाओ, और जब तक तुम कानून नहीं बनाते तब तक ये हमारे कंडीशन होंगे। ट्रिपल तलाक आपने सुना, कानून आने के पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि तीन तलाक, जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तब तक ये कंडीशन है, तीन तलाक नहीं दिया जा सकता, हुआ ना? उसके बाद तो पार्लियामेंट में फिर कानून बना, बिल आया, उसको पारित किया गया, फिर रिसर्च तो करिए। रिसर्च करने वाला कोई नहीं। देखो, हमारा भी दुख ये है कि हमें, देखो अभी आप मुझे बताइए, मैं कोर्ट में जाके वकालत करूं या पूरा टाइम रिसर्च करूं, मैं एक ही काम कर सकता हूं क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। मेरे पास दिन में मेरे खुद के भी मैटर्स हैं, गायों के भी मैटर्स हैं, और जो फोन कॉल आते हैं वो अलग ही आते हैं। तो रिसर्च का काम कोई और जिम्मा ले रही, आप मुझे रिसर्च ला के दीजिए, फिर मैं लड़ूंगा ना, और हमारी पूरी टीम में लड़वाई में रिसर्च दी। हाँ, अगर संक्षिप्त में ठीक है, प्रश्न बहुत आ रहे हैं। हथियार का लाइसेंस बन सकता है क्या? जरूरत पड़ने पर किस हद तक ये बाहर किया जा सकता है? बहुत सारे गोरक्षकों के पास लाइसेंस है, बहुत सारे गोरक्षकों के पास है। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह लगा कि आपकी जान को खतरा है, तो आप कहो ना कहो आपको बॉडीगार्ड भी मिल जाएगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा, ये कानून है।